Welcome to your Personal Child Specialist podcast. Don't you wish that children came with their own instruction manual? We know they don't. But how about getting the next best thing? By having your common parenting and children's health questions answered by Dr. Gaurav Gupta, MD from Chara Clinics, India. Hear the wisdom that many people wish their child's doctor would share, and some would travel halfway across the world to heal. Here is your host, Dr. Gaurav Gupta, MD. Hello and welcome back to another episode of Your Personal Child Specialist with me, your host, Dr. Gaurav Gupta. I hope aap aur jin bachon ka aap dhyan rakh rahe hain, sabhi tandrust hon, khush hon. आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक इन्फेंट प्रॉब्लम की, यानी जो बच्चे एक साल से छोटे होते हैं. ऑनेस्टली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ओपीडी में ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो एक साल से छोटे ही होते हैं, सो इनकी प्रॉब्लम्स काफी कॉमन होती हैं. और एज पेरेंट्स आई एम श्योर वी अग्री कि हम भी जितना बच्चा छोटा है उतना ज्यादा उसकी टेंशन लेते हैं, उतना ज्यादा हमें इस चीज के बारे में वरी होती है कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कुछ बता ही नहीं सकता. सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियस लगती है, लेकिन लकीली वो सीरियस नहीं है. और ये है, बच्चा जब 4 या 6 महीने तक का होता है तो कई बार उसका जो डायपर है उसके अंदर पूरा लाल या पिंक कलर लगा होता है, एंड पेरेंट्स आर वेरी वेरी टेंस. दे आर सेइंग कि क्या बच्चे के कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं से खून तो नहीं निकल रहा है, ये लाल या पिंक कलर का डायपर बच्चे का कैसे हो गया. द गुड न्यूज इज कि ये ब्लीडिंग नहीं है, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिंपल यूरेट यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं. अब बच्चे के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स क्यों है जिसकी वजह से उनके यूरिन का कलर पिंक हो रखा है, एंड द आंसर इज इट इज सजेस्टेड कि थोड़ा सा बच्चा हो सकता है डिहाइड्रेट हो रहा हो, यानी कि उसकी फ्लूइड इंटेक थोड़ी कम हो. और जैसे ही हम बच्चे की फ्लूइड इंटेक बढ़ाएंगे तो काफी केसेस के अंदर ये पेशाब का पिंक या लाल रंग जो है ये खत्म हो जाएगा. सो अगेन, पिंक या लाल रंग के डायपर अपने आप में मोस्ट केसेस में सीरियस प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए और उससे चेक कराइए, अगर जरूरत पड़े तो यूरिन का टेस्ट भी कराएं. बट इन मेनी केसेस यूरिन टेस्ट विल बी नॉर्मल. ये सिंपल यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं जो कि फ्लूइड इनटेक यानी पानी या जूस या दूध की क्वांटिटी बढ़ाने से ठीक हो जाएंगे. जब तक हम अगली बार मिले, तब तक के लिए कीप लिसनिंग. यूट्यूब पे लाइक कमेंट शेयर करिए, पॉडकास्ट को शेयर करिए, और अगर आप और पेरेंट्स को जानते हैं तो उन्हें जरूर हमारे पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं. थैंक यू, अलविदा, बाय बाय.